हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए हैं, कमेंट बॉक्स जो है पूरा भरा हुआ है ऐसे मैसेजेस से जिसमें ये पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन आईडी खो चुका है उनका और रजिस्ट्रेशन आईडी पुनः कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर ये वीडियो बेस्ड है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि उनका रजिस्ट्रेशन आईडी खो चुका है और सबसे पहली बात तो ये कि आपको ध्यानपूर्वक भरना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आता है आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, ठीक है। ध्यान से फॉर्म को फिलअप करें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आ रहा है वो फिर से रिफ्रेश हो जा रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से चला जा रहा है, वो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे हैं। तो पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप पुनः अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन आईडी पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक ईमेल करना होगा, ठीक है। मैंने आप सभी के कमेंट को देखते हुए जो सपोर्ट SLCM है उसको एक ईमेल किया हुआ था और ईमेल मैंने क्या किया हुआ था कि बीएड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर खो जाने पर पुनः कैसे प्राप्त करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तो इस तरह से मैंने एक ईमेल किया हुआ था, तो उसका रिप्लाई आया हुआ है और उसका रिप्लाई क्या आया है आप यहां पर से देख सकते हैं। यहां जो सपोर्ट SLCM का यहां रिप्लाई आया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि अपना पूरा डिटेल भेजिए, हम आपको आईडी प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको सिर्फ एक ईमेल भेजना है जिस ईमेल में आपको अपना पूरा डिटेल सेंड करना है, ठीक है। पूरा डिटेल आपको देना है कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। फादर्स नेम आप दे दीजिएगा, रोल नंबर आप दे दीजिएगा, रोल नंबर बिल्कुल आप देना मत भूलिएगा, ठीक है। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, ये सभी चीज़ें आप प्रोवाइड करा दीजिएगा ईमेल के थ्रू। अब ईमेल आपको किसको करना है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी देख सकते हैं support.slcm@cgchips.in, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इसी को आप मेल सेंड करना है आपको, और इस मेल में जैसे कि मैंने बताया अपना पूरा डिटेल आपको सेंड करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल मांगा तो है, ठीक है। तो डिटेल ये आपको जो है आपका आईडी प्रोवाइड करा देंगे डिटेल भेजने पर, और इसी को मेल भेजना है, गलत एड्रेस पर मत भेज दीजिएगा। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क्लेमर में ये लिखा हुआ है कि दिस ईमेल एंड इट्स अटैचमेंट मे कंटेन ऑफिशियल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर नॉट द इंटेंडेड रिसिपेंट प्लीज़ नोटिफाई द सेंडर इमिडिएटली एंड डिलीट दिस ईमेल। तो ये कहा गया है कि ये जो है इसमें कुछ सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं, तो गलत तरीके से इसका आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप जो है आवेदनकर्ता नहीं है तो इस ईमेल को तुरंत डिलीट कर दीजिए। अगर आपके पास गलती से ये मेल आ जा रहा है, आपने आवेदन नहीं किया है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। इसमें जो भी जानकारियाँ दी जाएंगी उसका आप गलत यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आप इसके लिए खुद ज़िम्मेदार होंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अपना ही आईडी, अगर दूसरे का आईडी आप लोग मत मांगिएगा किसी से भी, ठीक है। गलत तरीके से यूज़ मत कीजिएगा, अपना ही आईडी मांगिए तो ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको मेल करना है इस एड्रेस पर, अपना पूरा डिटेल भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मेरी आईडी खो गई है, ये मेरा डिटेल है, मुझे अपनी आईडी प्रदान करने की कृपा करें। ऐसा जो भी आपको लिखना होगा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसके साथ साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।